हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल फरहान बाजरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम वर्डप्रेस के मुतालिक एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि जो है कि थीम को कैसे हम कस्टमाइज करें, तो पहले तो आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाइए। आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, अपीयरेंस पर जब आप होवर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे थीम का ऑप्शन और ये कस्टमाइज का ऑप्शन। तो आप या तो थीम पर जा सकते हैं और थीम पर जाकर कस्टमाइज कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से कस्टमाइज क्रिएट क्लिक करके कस्टमाइज करेंगे। आज के वीडियो में हम एवरिल थीम को देखेंगे कि उसको हम जो है नायरा थीम्स की तरफ से जो थीम है, बहुत अच्छी थीम है, उसको कैसे कस्टमाइज करना। तो मैंने कस्टमाइज क्लिक कर दिया, देखिए क्या होता है। यहाँ पर हम लाइव कस्टमाइजेशन में आ गए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी आपको पेन का निशान नज़र आ रहा है वहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक कर दोगे तो टाइम कस्टमाइज कर सकोगे। देखिए पूरा यहाँ आ गया, ईमेल है support@allwordpress.in, ये पूरा यहाँ पर उसका कस्टमाइजेशन आ गया। अगर आप सोशल आइकॉन्स पर क्लिक करोगे, हाइड और शो का ये दबा देंगे, हाइड हो जाएंगे, ये दबा देंगे शो हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए इसको क्लिक कीजिए, ये फेसबुक का है, फेसबुक का आइकन, आपकी फेसबुक एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। ये क्लिक कीजिए, ये ट्विटर का है, तो आपका जो ट्विटर एड्रेस है वो पेस्ट कर देंगे। ये लिंक्डइन का है और इसी तरह जो है ये इंस्टाग्राम का। और भी अगर आप ऐड न्यू सोशल आइकन ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से जो है उसका नाम लिख कर, मिसलन पिंटरेस्ट है, आप लिख कर उसका सिंबल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जो भी लिंक आपकी होगी उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। मेरी पिंटरेस्ट का भी आईडी वर्डप्रेस के आज से नहीं है तो मैं हैश और इसको पब्लिश दबा देंगे, पब्लिश हो। इसी तरह आप जो है ऑनलाइन टाइमिंग भी हाइड और शो भी कर सकते हैं। आपको ये हटाना है, क्लिक कर देंगे हाइड हो जाएगा, और ये रखना है, क्लिक कर दें शो हो जाएगा। फिर इस पर जो है क्या है आपका टाइटल वो दे दें और सब टाइटल दे दें। टाइमिंग ही रखना ज़रूरी नहीं है, आपके हिसाब से आप जो है यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी रख ले सकते। ये तो हो गया। और जब ड्रॉप डाउन लेंगे यहाँ पर देखिए, ये भी आप एडिट कर सकते हैं। एडिट क्या, क्लिक कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये जो विजेट एरिया है आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये राइट हैंड साइड पे जो विजेट्स आते हैं, जो राइट हैंड साइड पर आता है उसको, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, गॉट इट। तो अब यहाँ पर आप ये रखना भी चाहें तो रख सकते हैं, और यहाँ से रिमूव करना चाहें तो कैटेगरीज को रिमूव भी कर सकते हैं। मुझे ये रखना है इसलिए रिमूव नहीं करूँ। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऊपर देखिए कैटेगरीज है और उसके नीचे जो है ये आर्कीव्स है। आर्कीव्स बोले तो कौन से महीने में आपने कितने पोस्ट किए, तो मुझे कैटेगरीज को भी रखना है, आर्कीव्स को भी रखना है, इसलिए मैं उसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप जो है इसको यूज कर देंगे तो आर्कीव्स ऊपर आ गया, आर्कीव्स यहाँ ऊपर आ गया, और स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये मेरी कैटेगरीज नीचे चले गए, लेकिन मैं कैटेगरीज को ऊपर रखना चाह रहा हूँ तो कैटेगरीज ऊपर आ गए। उसके बाद जो है उसके नीचे जो है यहाँ पर सर्च बार है। मैं चाहता हूं कि मेरा सर्च बार सबसे टॉप पर है, कोई आकर मेरी वेबसाइट पर सर्च करना चाहे तो मैं उसको ऊपर ला दूँ। तो देखिए यहां पर सर्च बार आ, जब तक आप पब्लिश क्लिक नहीं करेंगे, देखिए पहले से एक सर्च बार था, नीचे भी सर्च बार था, दो सर्च बार्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनमें से मैं एक को क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा। ये रिमूव करने से दोनों रिमूव हो गए, तो जो है कंट्रोल जेड दबा दीजिए, कंट्रोल जेड का ऑप्शन काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर प्लस दबाइए, और आप क्या रखना है यहाँ सर्च कीजिए, ये रखना है सर्च बार। तो ये सर्च बार आपको यहाँ पर ऐड हो जाए, यहाँ नीचे है, इसको हम यहाँ से ऊपर ला देंगे। मैं सर्च बार क्लिक किया हूँ और क्लिक कर कर करके मैं उसको जो है, सॉरी ये सर्च बार है, इसको क्लिक करके मैं इसको टॉप पर ला दिया हूँ, और सेकंड नंबर पर मुझे कैटेगरी सुना है, कैटेगरीज को ला दिया हूँ। उसके बाद आर्कीव से रीसेंट पोस्ट है, अगर आप रीसेंट पोस्ट को जो है ऊपर लाना चाह रहे हैं तो ऊपर ला सकते हैं। तो मैं रीसेंट पोस्ट को जो है सर्च के नीचे रखना चाह रहा हूँ। डिस्प्ले पोस्ट डेट बोले तो यहाँ पर जो है यहाँ आ जाइए, पोस्ट की डेट भी आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, सर्च बार है उसका, लेकिन डेट से वो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, तो खाली रीसेंट पोस्ट रखूँगा। देखिए चेंज हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ऊपर रख देंगे, उसके बाद ये रख देंगे, उसका आर्कीव्स है, उसका अबाउट द ऑथर है फरहान बाजवाई के बारे में, फिर कैटेगरीज है, ये अगेन जो रिपीट हो रहा है हम इसको निकाल देंगे।
ठीक है, निकाल देंगे तो चला जाएगा। और नीचे नीचे आइए, फिर ऑल अबाउट टैक्स है, टैग क्लाउड है, उसको आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको मैं यहाँ पर पब्लिश दबाता हूँ, तो इतनी जो सेटिंग्स हमने की है वो सेट हो जाएगी। अब स्क्रॉल डाउन कीजिए, क्योंकि ये होम पेज है तो लंबा होगा स्क्रॉलिंग, तो ऐसा करते हैं कि हम किसी एक पोस्ट को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, या यहाँ से बैक आ जाएं, कस्टमाइज से पूरा बाहर आ जाएं, फिर अगेन दूसरे मैसेज से कस्टमाइजेशन करेंगे, नेम्स को क्लिक करें, यहाँ कस्टमाइज। अब देखिए हेडर में, हेडर में साइट आइडेंटिटी, यहाँ पर ये जो आइकॉन है ना, और यहाँ जो आइकॉन लगाना है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा साइट आइकॉन में, और ये आपका टाइटल हो जाएगा और ये आपका टैगलाइन हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर आपकी वेबसाइट का लोगो है, जैसे मेरा ये allwp.in, तो यहाँ से आप लोगो लगा देंगे, चेंज करना तो चेंज लोगो क्लिक कीजिए, रिमूव करना तो रिमूव कर। फिर अबव हेडर, हेडर के ऊपर ये चीज़ों को हमने डायरेक्टली यहाँ से मैनिपुलेट किया था, अगर आप जो है साइड पैनल से मैनिपुलेट करना चाहते हैं यहाँ। उसके बाद हेडर नेविगेशन, सर्च बार हेडर में होना नहीं होना, यहाँ पर सर्च बार है ये होना या नहीं होना, हाइड कर देंगे चला जाएगा, मैं चाह रहा हूँ तो क्लिक कर देंगे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बटन है, वो होना है या नहीं, बटन होना है, दबा देंगे चले जाएगा। इस पर नाम लिख दीजिए फरहान बाजरा, और यहाँ से कहीं पर लिंक करना चाहें, अभी देखिए बटन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बटन आ गया। अगर इसके ऊपर आपको लिंक देना है, सपोज मैं लिंक देना चाह रहा हूँ farhanbajrai.com, तो इसको लिंक दे देता हूँ, मैं मेरा नाम पूरा लिख देता हूँ डिजिटल फरहान बाजरा, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ये हो गया पब्लिश। फिर हिस्ट्री के हेडर, ये हेडर जो है आप नीचे आइए, देखिए हेडर साथ में चल रहा है, ये होना नहीं होना, अगर नहीं होना है आप इसको दबा देंगे तो हेडर जो है हाइड हो जाएगा, मुझे चाहिए इसलिए मैं इसको रखूँगा, पब्लिश दबा दीजिए, वो सेटिंग्स आपके सेव हो जाएंगे। ये हेडर हो गया, उसके नीचे आइए जनरल सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स में कलर है, हेडर का टेक्स्ट क्या होना है, मेरा आमतौर पर हेडर का रेड है, अगर आप ग्रीन करना चाहें वो ग्रीन हो जाएगा, लेकिन मुझे ब्लैक ही चाहिए तो मैं ब्लैक कर दूंगा। देखिए यहाँ डन अन एंड्रो कलर्स में हेडर का होगा, बैकग्राउंड कलर वाइट है, अगर आप कोई दूसरा रखना चाह रहे हैं येलो 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 डर्टी कलर खराब दिख रहा है, तो मीनवाइल मुझे वाइट ही पसंद है, अच्छा दिख रहा है तो वाइट ही रखूंगा, आप आपके थीम के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से करें। स्क्रॉलर, आप ये नीचे जाते जाएं कि यहाँ पर ये स्क्रॉलर आ रहा है उसको रखना है या नहीं, उसको दबा देंगे ये स्क्रॉलर हाइड हो जाएगा। देखिए अब ऊपर जाने का यहाँ स्क्रॉलर नहीं आ रहा, तो रखना है तो क्लिक कर देंगे तो स्क्रॉलर आ जाएगा, रखें। आपकी अगर बड़ी वेबसाइट है तो जो भी नीचे जाएं और जल्दी से ऊपर जाना चाहते हैं यूजर की सहूलत, ब्रेड क्रम हाइड एंड शो सेटिंग्स, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये यहाँ का लोगो है, अगर आप जो है एवरी थीम यूज कर रहे हैं तो यहाँ आपको जो है होम पेज पर आ जाएं तो यहाँ आपको एक हेडर आएगा, यहाँ पर ये मेरी इमेज है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, फिलहाल मैं ये रखना चाह रहा हूँ। अब जनरल सेटिंग्स के बाहर आ जाइए, होम पेज सेक्शन, स्लाइडर सेक्शन, हम ये होम पेज पर है ना, होम पेज पर जो है स्लाइडर कंटेंट में जो है ये क्लिक कीजिए, स्लाइडर ग्लोबल मेन्यू सर्विस देयर आर मेनी, तो ये होम पेज का है, हम होम पेज को जो है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट होम पेज नहीं है हमारा, बल्कि रिसेंट पोस्ट हमारा होम पेज है, तो ये इसके साथ होम पेज डायरेक्ट आता है उसकी हो सकती है। ब्लॉक सेक्शन में हम लोग हैं तो ब्लॉक सेक्शन की ये सेटिंग है, नंबर ऑफ पोस्ट डिस्प्ले 3, आप कम भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद बैक आइए, ये पूरा जो है कॉल टू एक्शन सेक्शन, ये तमाम चीज़ें एवरिल के जो डायरेक्ट होम पेज होता है उसकी सेटिंग्स है, उसको मैं इंशाल्लाह अपने किसी दूसरे वीडियो में बताऊँ। फिर फूटर में आ जाइए, फूटर में कॉपीराइट का सेक्शन है, देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उनकी तरफ से कुछ कॉपीराइट होता है, मैंने जो है अपनी तरफ से कॉपीराइट रख दिया है, मसलन जो है ये पोस्ट पर नीचे आ जाइए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2000 जो भी करंट ईयर चल रहा है उसमें ये वेबसाइट को जो है बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस ने बनाया, आप नीचे आ जाइए, ये फूटर सेक्शन है, आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, पावर्ड बाय बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशन, इसको क्लिक करेंगे तो आप जो है बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशन की वेबसाइट पर चल जाएंगे, क्योंकि हम एडिटिंग मोड में इसलिए इसको क्लिक नहीं कर सकते, उसको आप यहाँ से कोड करें, कोड चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उसका कोड कैसे लिखना बताऊँ।
टाइपोग्राफी, बॉडी टाइपोग्राफी, साइज क्या होना चाहिए कंटेंट का, लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। क्योंकि लाइन हाइट को मैं बढ़ा दूँ, यहाँ आपको समझना है लाइन हाइट क्या है, कौन सी भी चीज़ को आपको समझने के लिए उसको एकदम ज़्यादा कर दें तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा। ये तो 1.5 की मैं डिफॉल्ट वही रखना चाह रहा हूँ। फॉन्ट साइज देखिए, अगर बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, 15 था तो बाई डिफॉल्ट 15 था, मैं 15 कर दे रहा हूँ। फॉन्ट स्टाइल इनहेरिट नॉर्मल इटैलिक, तो जो भी फॉन्ट साइज आप असल में एमएस वर्ड से कॉपी किए तो वहीं से इनहेरिट करने की बात है। और ट्रांसफॉर्म बाई डिफॉल्ट वही बेहतर है, लोअर केस अपर केस ये मुनासिब नहीं है। तो ये जो फिर हेडिंग्स के लिए आ जाइए, हेडिंग्स का फॉन्ट साइज कितना होना है, देखिए ऊपर हेडिंग्स को देखिए, हेडिंग्स का फॉन्ट साइज कितना होना है, ये बातें यहाँ से आप कर सकते हैं। लाइन हेड भी हेडिंग की है, उस हेडिंग्स के मुताबिक पूरा जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर मैं थोड़ा एक मतलब बाहर जाकर आता हूँ, क्योंकि हेडिंग के सेटिंग्स को मैंने चेंज किया था और आई डोंट वांट टू मेक इंप्लीमेंट दैट सेटिंग्स, इसलिए मैं फिर से एक मतलब कस्टमाइज में आ रहा हूँ। हेडिंग्स हो गया हमारा, हेडर इमेज का भी, टाइपोग्राफी हो गया, फिर हेडर इमेज है। हेडर इमेज जो है ऑल WP.in ये वाली है, ये जगह के एतबार से वो यहाँ पर सेट हो। फिर बैक आ जाइए, बैकग्राउंड इमेज, अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ इमेज रखना है तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। मसलन मैं थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए ये इमेज रखना चाह रहा हूँ, तो आप देखिए बैकग्राउंड पर ये इमेज आ गई, ये इमेज अच्छी नहीं दिख रही इसलिए मैं इसको रिमूव कर दूँ। मेनूज, ये जो आपके मेनूज होते हैं वो, इसको प्राइमरी मेनू कहते हैं। न्यू लोकेशन यहाँ देख लीजिए, मेन मेनू का लोकेशन जो है अपना ये ऊपर का ही हिस्सा है, तो ये मेनू का तो आप अलग से भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर मेन मेनू आपका रहेगा। होम पेज है, होम कॉन्टेक्ट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के नीचे अगर आपको होवर करने के बाद ये दिखना है तो आपको जो है मेनू में जाकर, अगर मैं इसको इधर से बाहर कर दूंगा तो ये बाहर अलग से आ जाएगा, ठीक है, वर्डप्रेस अलग से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको इसका सब आइटम रहेंगे ड्रॉप डाउन की तरह आनी, तो इसको इसका सब आइटम थोड़ा हटाकर लगा देना पड़ेगा। आप रीऑर्डर करना चाहे तो मेनू को रीऑर्डर भी कर सकते हैं। मेनूज के बाद, मेन मेनू के बाद जो है आप आगे आ जाइए विजेट्स से। विजेट्स अभी जो हमने देखा कि साइड बार में आप कौन से रखना चाह रहे हैं, आप रख सकते हैं। विजेट का पूरा डिटेल में इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप फूटर में भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, मसलन जो है होम अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, तो फूटर में भी दिखा सकते हैं, जो भी दिखाना चाहें। विजेट्स में आजकल आप जो है कंटेंट भी रख सकते हैं। होम पेज सेटिंग्स, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा लेटेस्ट पोस्ट एज ए होम पेज आए तो हम ये रखेंगे। अगर स्टैटिक पेज आना चाहें तो आप स्टैटिक क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर स्टैटिक पेज आ जाएगा, उसको हमको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा क्योंकि ब्लॉग है तो मैं होम पेज जो है लेटेस्ट पोस्ट रखना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट मैं रखूँगा। उसके बाद थोड़ा एडिशनल CSS, अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो और कुछ एडिटिंग करना चाहे तो बस जगह हमको CSS कोड ऐड करना पड़ता है, तो CSS कोड इस एडिशनल CSS के जरिए आप ऐड कर सकते हैं। फिर रिलेटेड पोस्ट जो है इज ए सिंगल पोस्ट, अब सपोज जो है हम ये पोस्ट पर जाकर क्लिक करते हैं, उसके रिलेटेड कौन सी पोस्ट है, उसके बारे में क्या डिटेल से वो यहाँ पर हमको पता है। यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये रिलेटेड पोस्ट है, शो थंबनेल्स। अब देखिए यहाँ पर आपको थंबनेल्स नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इसको नहीं चाहूँ तो बस खाली नाम आ जाएगा, ठीक है। शो डेट, यहाँ पर डेट आ रही है, अगर मैं इसको जो है अनचेक कर दूँ तो डेट चली जाएगी। और शो कंटेक्स्ट, कैटेगरी और टैग होना है, वर्डप्रेस टैग में है ये सब कैटेगरीज में, तो ये रखना है तो रखेंगे, नहीं तो नहीं। तब ग्रिड होना है, लिस्ट होना है, लिस्ट बोले तो आपको एक एक नीचे आ जाएगा लेकिन वो ज़्यादा जगह लेगा, इसलिए मुझे ग्रिड पसंद है, मैं ग्रिड रखूँगा। अगर आपको ग्रिड चाहिए तो ग्रिड, कभी भी आप सेटिंग चेंज करते हो, अगर आप मोबाइल व्यू देखना चाहें क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको आप मोबाइल व्यू में आके भी सेटिंग्स को अपनी देखकर सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आखिर में पब्लिश दबाना ना भूलें, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। नए वीडियो के बारे में जो है वर्डप्रेस में कुछ सीखना हो या डिजिटल मार्केटिंग में कुछ आपको जानना हो तो कमेंट कर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि वो ताल्लुक से अपने वीडियो को बनाएं। तो फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।